अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑडिटर्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ। तो आज के सारे DIY मैं सुपर क्ले से बनाऊंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार के सारे DIY बहुत ज़्यादा कलरफुल होंगे और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ रोज़, बहुत ईजी, और इसको कोई भी बना लेगा। नॉर्मल आपने देखा मैंने इस तरह से क्ले का पार्ट लिया और उसको ऐसे ऐसे प्रेस करके आपको गोल गोल सा या फिर ओवल शेप का कुछ भी आप जैसा आप शेप देना चाहें रोज़ को, मतलब लेकिन रोज़ को रोज़ की ही तरह शेप देना होगा, ठीक है? तो इस तरह से कर लेना है अच्छे से, बस और बस ये आपस में स्टिक हो जाती हैं। और मैंने इसको ऑर्डर किया था, मतलब ऑर्डर क्या किया था, मतलब सोचा था मैंने कि इसको ऑर्डर करके मंगवाएंगे, लेकिन यहीं पर पास के एक स्टोर पर मुझे मिल गया तो मैं लेके आ गई, ठीक है? तो आप भी देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, साथ साथ कहीं आसपास के स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि आप लोग हमेशा मुझे कमेंट पे भर भर के कमेंट करते हो, खैर कि आप ना कोई कलरफुल DIY बनाओ, कोई कलरफुल DIY बनाओ। तो मैंने सोचा कि इस बार की जितने भी DIY मैं करूँगी बहुत ज़्यादा कलरफुल होने वाला है, ठीक है? तो इसी तरह से मैं सोच रही हूँ कि एक छोटी सी बर्ड बना दूँ इसी के, ठीक है? मतलब वो जो कली होती है रोज़ की, वो तो मैंने वाइट, लाइट पिंक और थोड़े से पेस्टल शेड्स के यहाँ पे मतलब कलर लिए हैं, यूज़ किया है, ठीक है? तो वाइट कलर का मैं बना रही हूँ, पिंक के 2-3 शेड्स मैंने ले लिए हैं। तो इसी तरह से आप देख रहे हो ना कितना ईजी प्रोसेस। मैंने सोचा कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक वाला नहीं बनाएंगे, उस तरह के जो रोज़ होते हैं, और उसमें लीव भी नहीं लगाएंगे, ठीक है? नॉर्मल रोज़ रहेगा, जैसे कि बस एक डेकोर पीस की तरह ये लगेगा कि हाँ ये रियल नहीं है, बस डेकोर पीस के लिए, ठीक है? आप समझ रहे होगे, जो क्लासी वाले आपको होम सेंटर पे या फिर द डेकोर कार्ट पे इस जगह पे जो आपको महंगे महंगे रोज़ मिलते हैं उस तरह के। तो इस तरह से मैंने क्या किया है कि इसमें स्क्वायर स्टिक्स लगा दिए हैं इनके नीचे की, मतलब वो उसके लिए, ताकि इसको रख सके। और इसी तरह से मैंने 2 छोटे और बना लिए थे, इसका मैंने सोचा ना कि ईयरिंग बनाते हैं, तो पीछे में सिंपली इसके स्टड्स ऐड कर देंगे और बहुत प्यारी सी क्लासी एकदम, ये तो रियल लग रही थी, ठीक है? ये ईयरिंग बिल्कुल रियल रोज़ की लग रही है। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लीजिए। तो रोज़ का लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल थी प्लास्टिक की, किसी जूस की थी, तो मैंने सोचा इसको ही यूज़ करते हैं। तो ऊपर से यहाँ से इसको अच्छे से कट करके निकाल देंगे इस वाले पार्ट को, और इस पर भी यूज़ करेंगे बहुत कलरफुल से 2 शेड्स मैंने ले लिए हैं सुपर क्ले के। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर लिया है और एक पिंक लिया है। तो इन दोनों को क्या करना है, इस तरह से आपको ये कर लेना है, हाथ से थोड़ा फैला लेना है रोटी की तरह, और इसको इस तरह से हम बॉटल पे लगाएंगे, ठीक है? तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ ज़्यादा ही कलरफुल बना देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिमांड रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सटल कलर और बहुत ज़्यादा यू नो एंटीक पीस बनाती थी, ठीक है? जिसमें गोल्डन, ब्लैक और इस तरह के शेड्स का यूज़ होता है। तो आपका ये डिमांड रहता था कि आप प्लीज़ कुछ कलरफुल DIY करो, कलरफुल DIY करो। तो मैंने सोचा कि इस बार तो पूरा कलरफुल बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कलरफुल डेकोपीज भी इन हैं, ठीक है? आपको होम सेंटर पे मिलेंगे और बहुत सारे इस तरह के जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इस तरह के डेकोपीज आते हैं, ठीक है? तो इस तरह से मैं इन दोनों कलर को थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, इधर का उधर ले जा रही हूँ, ब्लू की साइड पर ब्लू को पिंक की साइड पर ला रही हूँ, ताकि थोड़ा यू नो आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या समझा रही हूँ। थोड़ा सा मैं इधर उधर बोल देती हूँ कुछ कुछ, तो मतलब आप समझ लो कि इसको थोड़ा गिचपुची करके, ठीक है, इस प्रोसेस का मैंने नाम दे दिया है, उस तरह से करके इसको इधर उधर करके थोड़ा मिक्स कर रही हूँ मैं, और थोड़ा सा हाथ से टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के टेक्सचर वाले बहुत अच्छे लगते हैं वेस। तो इसी तरह से इस पर थोड़ा सा इस तरह का मैंने डिज़ाइन उंगली से ही अपने हाथ के हेल्प से कर लिया है इसको पूरा अच्छे से, और बहुत प्यारा लगेगा। तो इस बार ना मैंने सोचा कि इस बार तो सारे DIY सुपर क्ले से करते हैं, क्योंकि आप लोगों को सुपर क्ले बहुत ज़्यादा आप कमेंट भी कर रहे थे कि सुपर क्ले से कुछ और बनाना बताइए, तो मैंने सोचा कि यही करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गोल्डन फॉइल लीफ लगा लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा। और ये रहा इन दोनों का फाइनल लुक, और कितने ज्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। और पता है मुझे ज़्यादा कलरफुल चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ना क्लासी लग रहा है। आपको ये कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन अभी यहीं पे वीडियो ख़त्म नहीं होती है, आगे मैं आप लोगों के साथ और एक DIY शेयर करूँगी जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा। तो इसमें मैंने पिंक, ब्लू, वाइट और लाइट पिंक, डार्क पिंक सारा कलर यूज़ किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैंने हर मतलब वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर लिया है, तो ये जो मास्किंग टेप या फिर सेलो टेप के जो रील्स
होते हैं एम्प्टी रील, तो इनका भी कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह से राउंड, मतलब 4-5 इसका ले लिया पीस, और फिर कार्डबोर्ड को इस तरह से राउंड कट करके इस पर लगा देना है, ठीक है। नीचे लगाया मैंने और ऊपर की साइड पर एक लगाया, तो तीन का मैंने ना इसका बॉक्स बनाया, तीन को मिक्स करके, और एक से मैंने इसकी लिड और कवर करने के लिए ऊपर के लिए बनाया, ठीक है। मास्किंग टेप या फिर न्यूज़पेपर में मैंने ना यहाँ पर जल्दी के लिए और थोड़ा सा काम से बचने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी अपलोड करना है, मास्किंग टेप का यूज़ कर लिया। आप न्यूज़पेपर और ग्लू को इस तरह से इसके एजेस के लिए कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हिंज का यूज़ किया है छोटा सा, मतलब पीछे के साइड पे कब्जा भी जिसको बोलते हैं, इसको मैंने फेवी बॉन्ड से चिपकाया है, और अच्छे से इसके स्क्रू को भी लगा देंगे, अच्छे से टाइट कर दीजिए। तो इसी तरह से मैंने इसको अच्छे से टाइट करके लगा दिया है। अब चलिए इसको एक कोट ना मैंने जेसो का कर दिया, फिर से वाइट पेंट का भी एक कोट अच्छे से अंदर बाहर कर लीजिए। तो अभी तो इसमें भर भर के डिटेलिंग ऐड करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाने वाले हैं, तो आप भी बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है अभी तक की प्रोसेस। अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक रेड हार्ट डाल दीजिए। तो इसी तरह से मैंने पिंक कलर का मतलब सुपर क्ले लिया है और इसे पूरे को कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्लू नहीं लगाया क्योंकि बॉटल में जब मैं ग्लू लगा रही थी ना, बहुत ज़्यादा ये हाथ में चिपक रहा था, तो आप थोड़ा ऐसे ही करके इसको स्प्रेड करके पूरे में फैला लीजिए। तो पूरे बॉक्स को इस पेस्टल शेड से हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से, और ये बहुत क्यूट सा एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और इस पर अच्छे से डिटेलिंग ऐड करेंगे इस तरह की ना, मैंने सोचा लाइन क्रिएट कर देते हैं, तो इस तरह से पूरे पे लाइन क्रिएट कर देंगे, और बहुत अच्छा सा एक पैटर्न इस तरह से बना लिया, ऊपर की साइड पर भी बना लिया, किसी भी चीज़ की हेल्प से आप बना लीजिए। अब चलिए ग्रीन पर्पल और वाइट को मिक्स करिए, एक बहुत प्यारा सा लाइट पर्पल या फिर ग्रे टाइप का शेड बनेगा, ग्रे तो नहीं बोलेंगे इसको, बहुत ज़्यादा लाइट पर्पल का शेड बनेगा। इसको ऐसे राउंड राउंड आपको करना है और इस तरह से ऊपर की साइड पे गोल करके लगाना है। तो अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर आपने थंबनेल पे देख के तो समझ ही लिया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बास्केट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत प्यारा सा ऊन इसमें हम रखेंगे, वूल बॉक्स टाइप कुछ ही बनाएंगे, ठीक है। तो वाइट कलर का एक और पॉलीमर क्ले, सॉरी सुपर क्ले लगा दिया मैंने ऊपर में, ताकि ये थोड़ा सा कॉटन का फैब्रिक रखा हुआ है इस टाइप का। अब चलिए कुछ अच्छा सा ना हम मतलब बिनते हैं, बुनाई किया हुआ कोई सामान रखते हैं यहाँ पे। तो बहुत प्यार से एक थ्रो में बना रही हूँ, छोटा सा मिनिएचर थ्रो, ठीक है। तो लाइट पिंक कलर का मैंने यूज़ किया है, साइड में इसको ऐसे टांग देंगे, टांग नहीं देंगे सॉरी, मतलब लगा देंगे। और अब चलिए बहुत प्यारे प्यारे से ऊन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऊन तो बनाएंगे ही, और बहुत अच्छे अच्छे कलर बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा कलरफुल क्योंकि हमें बनाना है, तो बहुत ज़्यादा कलर का इसमें यूज़ करेंगे, पिंक पर्पल ब्लू वाइट जो जो कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी अच्छी सी डिटेलिंग ऐड करेंगे, यहाँ पे साइड में मैंने ब्लू भी रख दिया है। सुपर क्ले के साथ इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, बहुत अच्छी सी एकदम बूमर टाइप का इसका टेक्सचर होता है, बहुत मज़ा आता है इससे काम करने में, ट्रस्ट में मेरी फेवरेट क्ले बन चुकी है। और इसी तरह से थोड़ा सा थ्रो के पीछे जो टैजल नीचे साइड में लगे होते हैं, उस तरह से मैं डिटेलिंग नाइफ की हेल्प से इसको अच्छे से बना रही हूँ। थोड़ा सा और अच्छे अच्छे से डिटेलिंग ऐड करेंगे ताकि पूरा रियलिस्टिक लगे। ऑरेंज रखा मैंने, पिंक रखा, मतलब अलग अलग तरह के शेड्स यूज़ किए, रेड। इसी तरह से बहुत सिंपल है, इस तरह से डोरी डोरी आपको बनाना है ताकि लगे कि कुछ लपेट के रखा हुआ है, ऊन का गोला जो होता है। अब चलिए एक बड़ा थ्रो बनाते हैं जो कि बॉक्स के नीचे वाले पार्ट में रखेंगे, मतलब साइड वाले पार्ट में लगाएंगे। तो आपको जब इस तरह से राउंड राउंड करके डोरी बनानी है ना, तो किसी भी एक चीज़ का यूज़ कर लीजिए, मैंने ग्लास के टुकड़े का, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे से स्मूथ डोरी बनती है, ठीक है। तो फिर इधर हमारा थ्रो वाला काम हो चुका है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल देंगे। अब थोड़ी सी इसमें ना वो कि ये बिना हुआ है उस तरह का कुछ टेक्सचर ऐड कर दिया, अब इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे में लगा देंगे। इसमें भी सेम इसी तरह से टैजल के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्ले लगा लिया और अच्छे से इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे भर भर के। और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें और बहुत सारी डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से डोरी बना लेंगे जैसे मैंने बनाया था, यहाँ पर साइड में थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए, ताकि पूरा मैं दिमाग में रख के ही बना रही हूँ। अब इस तरह से और थोड़े से ऊन यहाँ पे साइड में लगा देंगे बहुत अच्छे से, अलग अलग कलर से थोड़े से साइड से। इस तरह से मैं एक धागा निकाल दूंगी ताकि बना हुआ है ऐसा लगे कि अभी और इसमें बनना बाकी है, ठीक है। अब ग्रीन भी मैं बना रही हूँ इसी तरह से, बहुत सिंपल है ऊन बनाना, बस गोल गोल करके आपको घुमा देना है। पर्पल ग्रीन पिंक रेड सारा कलर मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पर निडल स्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये स्क्यू स्टिक, इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर लीजिए। ऊपर में थोड़े से मैं डिटेलिंग ऐड कर दूँगी, इनमें भी अच्छे से दो पीस मैंने बना लिया है, ठीक है।
और इस तरह से चलिए ये लगा लेते हैं। और ना मुझे अपने बचपन की याद आ रही है, मुझे ना एक बार बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था कि मैं स्वेटर बिनूँ, तो ना मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, तो इसी तरह की चीज़ें होती थी। तो चलिए खैर, अब इसको वार्निश से अच्छे से कंप्लीट करते हैं, सील करते हैं, और ये रहा इसका फाइनल लुक। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, और क्यूट भी लग रहा है। मैं खुद की तारीफ खुद से नहीं कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी तो इसमें मेरा कोई वैसा कमाल नहीं है, क्ले का ही कमाल है क्योंकि है ही सुपर क्ले। तो आपको भी कैसा लगा ना वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे तो मतलब मेरा अगर फाइनल फेवरेट DIY पूछो तो मेरा तो यही है, मतलब आपका भी मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा। बाकी जिसका भी जो सा फेवरेट DIY है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये अंदर से इस तरह का है, तो मैंने अलग अलग तरह से आपको दिखा दिया। अंदर में साइड में मतलब अंदर के पार्ट में मैंने ना बाद में न्यूड कलर का एक पेंट कर दिया था ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं आज मैं बोलूँगी, प्लीज़ आप सारा कुछ करके जाइएगा। आज मैं नहीं बोलूँगी कि आप कुछ भी मत करिएगा, आज आप सारा कुछ करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।